हमारा पैसा नहीं दे रहे मैडम। झूठ बोले? नहीं नहीं मैडम, हम झूठ नहीं बोलता, झूठ ये सब बोलता है। हम इन सब लोगों के घर में काम किया, ऊपर से ही हमारा पैसा नहीं दे रहा और हमको काम से भी निकाल दिया मैडम। क्या बात कर रही हो? लवली, तुम काम की फिक्र मत करना, पहले मैं इन सारे को हैंडल कर दूं, बाद में तुझे देखती हूँ। अरे ओ अमीर जादो, रहते हो बड़े बड़े घरों में और एक काम वाली के पैसे नहीं दे रहे हो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, नहीं सॉरी मैडम, ये एक नंबर की झूठी है, ये हमारे घर में सबका झगड़ा करवाती है। हाँ। अच्छा तो तुम लोग क्या बच्चे हो कि ये लड़वाएगी और तुम सब लड़ोगे? तुम लोग सब लड़ते हो मतलब कि तुम सारे झगड़ालू हो? अरे नहीं नहीं कोई झगड़ालू, हाँ ये भीड़े झगड़ालू है हम। अरे एक जगह क्या बात कर रहे हो, कहाँ झगड़ा करते हो? एक मिनट रुको, तुम इस सोसाइटी में कोई भी झगड़ालू नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मैडम हाँ हाँ सॉरी मैडम, कोई झगड़ालू नहीं है इधर। ये लड़की सारे घर वालों से पैसे ऐंठ चुकी है, हम सभी के आगे एक दूसरे की बुराई करती थी, ये एक नंबर की झूठी है। हाँ। लवली तू बता पहले क्या बात है? दरअसल बात ये है मैडम कि ये जो चश्मे वाला है ना, ये हमको छेड़ता है मैडम। ले जाओ इसे। ये नहीं, ये नहीं मैडम। मैंने ये कुर्ते वाला, ये तो शिक्षक है। तो उसे लेके जाओ। जेठालाल चुप रहो, माधवी आई शपथ, ये झूठ बोल रही है। मैं आपको बरोबर जानती हूँ, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैडम ये लड़की झूठ बोल रही है। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल सच है कि ये ऐसा नहीं कर सकते, बोलो ना जेठालाल। मैडम नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, अगर ये झूठ होता तो ये रोज हमारा स्कूटी को स्टैंड लगाने के लिए भाग कर क्यों आता? अरे वो तो मैं ऐसे हम एक शरीफ औरत है, आप बोलो एक शरीफ औरत इस तरह का इल्जाम लगाएगा? बोलो मैडम, हम सच बोलते हैं मैडम, झूठ बोल रही है माधवी है। ले चलो इन्हें। अरे नहीं मैं क्या बात कर रही हूं, मत घबराइए। आप क्या कर रही है आप? अरे 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 मैडम मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं जाता हूं मैडम, डंडा मत मारिए। सब चश्मे वाले ऐसे ही हैं। क्या मतलब? मतलब कुछ कुछ चश्मे वाले। इन लोगों को समझाइए ना, ये ऐसा कभी आप नहीं कर सकते। मत घबराइए, मैं बात करता हूँ। मैडम व्हाट आर यू डूइंग? आप कौन? मैं तारक मेहता हूँ मैम, और मैं एक पत्रकार हूँ और क्रिमिनल लॉज बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आपने बिना किसी सबूत के भिड़े को पकड़ लिया है, और कल FIR लॉज होने के बाद जांच में आपको पता चला कि वो बेगुनाह है, तो क्या आप मानहानि का मुकदमा सहन करने के लिए तैयार होंगे? आपने इसके कहने से उसे पकड़ लिया, अब हमारे कहने से जरा इससे ये तो पूछिए कि इसने हमसे पैसे ऐंठे हैं या नहीं, पूछिए जरा। सच सच बोल, तूने पैसे लिए? नहीं मैडम नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं मैडम, मैंने नहीं लिया पैसा। मैडम ये झूठ बोल रही है अभी भी। सच सच बता, तूने पैसे लिए कि नहीं? नहीं मैडम नहीं। ऐसे तो नहीं बोलेगी ना, दो चार दिन हवालात की हवा खाएगी ना, सब सच बाहर निकल आएगा। बोल बोल। पता था मैडम, पता था। हाँ हमने लिया पैसा। देखा मैम, मैं आपको क्या कह रहा था, आखिर सच आ गया ना सामने। हाँ। अब इससे ये भी पूछिए कि मास्टर भिड़े ने इससे छेड़छाड़ की है या नहीं। बोल जवाब दे, उन्होंने तुझे छेड़ा था कि नहीं, पता? नहीं मैडम, हमको नहीं छेड़ा, वो तो बहुत शरीफ आदमी है। लेके जाओ इसको। चलो 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 चल चल। और मैडम हमारे बात तो नहीं है। ये मेहता साहब, ये लवली को हमारी सोसाइटी में लाया कौन था? जेठालाल वैसे न पूछो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं नहीं मैं तो पूछूंगा। अच्छा तो फिर सुनो नट्टू काका। अब चलिए। कहाँ चलना है? ओफो, फिर से नई नौकरानी जो ढूंढनी पड़ेगी। हाँ हाँ वो तो मिल ही जाएगी, पर अब ये जो काम बढ़ गया है उसका क्या होगा? अरे दया भाभी, उसमें फिक्र करने की क्या जरूरत है ना?
तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो? क्योंकि काम आया भाई तुम्हारे पास। अच्छा तुम बिजी हो गए, बिजी है। वैसे जेठालाल इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लो। अकेला भिड़े नहीं, हम सब मर्द बिजी हो गए, सबको घर का काम करना पड़ेगा। चलो पुरुष काम वाली भाइयों चलो।